नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीटीच ब्रदर प्लेटफॉर्म में, राष्ट्रीय शिक्षा। दिस इज आमिर नाजी फ्रॉम बीटीच ब्रदर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका 261 से आगे देखने वाले हैं। इससे पहले 260 तक पूरा वीडियो बन चुका है, जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 261 कह रहा है किस नाम से फ्रांसीसी दबाव समूहों को कभी कभी जाना जाता है? तृतीय सदन, अज्ञात साम्राज्य, अनौपचारिक समूह या नौ सामंतित तत्व। तो किसे कहा, किस रूप से जाना जाता है? 261 का करेक्ट आंसर होगा सी, अनौपचारिक समूह के रूप से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 262 कह रहा है फ्रांसीसी दबाव समूह किस तरह की भूमिका निभाते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, चमत्कारी या हिंसात्मक। तो किस तरह की भूमिका निभाती है फ्रांसीसी दबाव समूह? 265 का करेक्ट आंसर होगा ए, सकारात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 263 कह रहा है फ्रांस में दबाव समूह क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? बहुदलीय प्रणाली की वजह से, या राजनीतिक दलों का निर्बल संगठन, या प्रादेशिक दूरी, या उपरोक्त में से सभी। तो किसके वजह से हो गई है? 263 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 264 कह रहा है स्विट्जरलैंड में दबाव समूह किस स्तर पर अधिक सक्रिय होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पर सक्रिय अधिक हो जाते हैं? 264 का करेक्ट आंसर होगा सी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 265 कह रहा है स्विट्जरलैंड में दबाव समूह इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जनमत निर्णय, बी आरंभ, या वापस बुलाने का अधिकार, या उपरोक्त में से सभी। तो 265 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी की भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 266 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में कभी कभी राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह के मध्य अंतर करना कठिन हो जाता है? इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो कहाँ कम हो जाता है? 266 का करेक्ट आंसर होगा बी, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 267 कह रहा है वर्तमान समय में दबाव समूहों को क्या मानते हैं? अनैतिक, संकुचित मनोवृत्ति, घृणित या प्रजातंत्र में सहायक। तो क्या माना जाता है? 267 का करेक्ट आंसर होगा डी, प्रजातंत्र में सहायक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 268 कह रहा है दबाव समूहों का संबंध होता है सामान्य जनता से, सामान्य हितों से, लोक कल्याण से, या विशिष्ट हितों से। तो किससे होता है? 268 का करेक्ट आंसर होगा डी, विशिष्ट हितों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 269 कह रहा है दबाव समूह की सदस्यता होती है ऐच्छिक, अनिवार्य, थोपी हुई, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी होती है? 269 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऐच्छिक यानी ऑप्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 270 कह रहा है दबाव समूह होते हैं राजनीतिक दल और राजनीतिकृत, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? 270 का करेक्ट आंसर होगा बी, और राजनीतिकृत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 271 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ए अनौपचारिक संगठन, बी ऐच्छिक सदस्यता, सी अनिश्चित कार्यकाल, या डी जनहित संवर्धन। तो कौन नहीं है? 271 का करेक्ट आंसर होगा सी, अनिश्चित कार्यकाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 272 दबाव समूह कौन सा कार्य नहीं करते हैं? विधायकों को प्रभावित करना, चुनाव लड़ना, मंत्रियों को संपर्क करना, या लोक प्रशासकों को प्रभावित करना। तो कौन सा नहीं करते हैं? 272 का करेक्ट आंसर होगा बी, वह चुनाव नहीं लड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 273 कह रहा है किसने कहा है लोकतंत्र यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के समान हैं? ब्राइस, या मुनरो, या ह्यूबर, या गेटल। तो किसने कहा है? 273 का करेक्ट आंसर होगा ए, ब्राइस ने बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 274 कह रहा है यह किसका कथन है राजनीतिक दल के देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है? फाइनर, लॉस की, बर्क, या मैकाइवर। तो किसने बोला था? 274 का करेक्ट आंसर होगा बी, लॉस की साहब बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 275 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है? सरकार का निर्माण करना, शासन की आलोचना करना, राजनीतिक प्रशिक्षण या गृह युद्ध को भड़काना। तो कौन सा नहीं है? 275 का करेक्ट आंसर होगा सी, राजनीतिक प्रशिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 275 का करेक्ट आंसर होगा डी, गृह युद्ध को भड़काना, यह का गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 276 कह रहा है निम्नांकित में से कौन द्विदलीय पद्धति के उदाहरण है? ब्रिटेन, अमेरिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? 276 का करेक्ट आंसर होगा बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 277 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय पद्धति पाई जाती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नेपाल या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी जगह पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 278 कह रहा है निम्नांकित में से कौन द्विदलीय पद्धति का गुण नहीं है? स्थिर सरकार, सरकार का निर्माण सरल या उत्तरदायित्व का निर्धारण या बहुमत दल का तानाशाही। तो 278 का कौन सा आंसर होगा डी, बहुमत दल की तानाशाही या द्विदलीय पद्धति का गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 279 कह रहा है ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में ही समाप्त हो जाता है, किसने कहे थे? लॉस्की, मैकाइबर, जेनिंग्स या ब्राइस। तो किसने बोले थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लॉस्की साहब बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 280 कह रहा है निम्नांकित में से कौन राजनीतिक दल ब्रिटेन में है? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी या उपरोक्त में से सभी। तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 281 कह रहा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड में राजसत्ता के समर्थन किस नाम से जाने जाते हैं? केवेलियर्स, राउंड हेड्स, विग या इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राउंड हेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 282 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? कठिन अनुशासन, सुदृढ़ संगठन और केंद्रीकरण, नेता की सर्वोच्च स्थिति या लूट प्रथा। तो कौन नहीं है? 282 का करेक्ट आंसर होगा डी, लूट प्रथा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 283 कह रहा है ब्रिटेन में किस दल का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है? कम्युनिस्ट पार्टी, फास्टिस्ट पार्टी या स्कॉटिश नेशनल पार्टी या उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा बहुमत सीमित है? 283 का करेक्ट आंसर होगा सी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 284 कह रहा है इंग्लैंड में अनुदार दल किन संस्थाओं का समर्थन करता है? राजमुकुट चर्च, शक्तिशाली शासन वर्ग या व्यक्तिगत संपत्ति। तो कौन सा समर्थन करता है? 284 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 285 कह रहा है किसने कहा मजदूर दल दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबिल से अधिक प्रभावित हैं? फाइनर, लॉस की, जेनिंग्स या ब्राइस। तो किसने कहा? 285 का करेक्ट आंसर होगा बी, लॉस की साहब बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 286 कह रहा है अमेरिकी राजनीतिक दलों के अस्तित्व का आधार क्या है? संवैधानिक कानून, सामान्य विधि या संविधानेतर विकास या इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं है? अस्तित्व का आधार क्या है? 286 का करेक्ट आंसर होगा सी, एक्स्ट्रा कंडीशनल ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 287 कह रहा है अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन कौन हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? 287 का करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 288 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का एक छोटा राजनीतिक दल है? ग्रीन बैंक पार्टी, पॉपुलिस्ट पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी या उपरोक्त में से सभी। तो कौन है? 288 का करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 289 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता नहीं है? द्विदलीय पद्धति, दबाव समूहों का प्रभाव, लूट प्रथा या कठोर अनुशासन। तो कौन नहीं है? 288 का करेक्ट आंसर होगा
सॉरी 289 का करेक्ट आंसर होगा सी, लूट प्रथा नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।